Yes, next video, I am starting with the next part of the topic balance of payment, equilibrium and disequilibrium in balance of payment. Now, what is BOP equilibrium? BOP balance of payment equilibrium में तब होता है जब हमारी कंट्री में जितनी फॉरेन करेंसी आ रही है उतनी ही इक्वल फॉरेन करेंसी कंट्री से बाहर जा रही है और ऑफिशियल रिजर्व्स में, दैट मींस फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स में और गोल्ड के रिजर्व्स में जो सेंट्रल बैंक के पास है उसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो इस तरह की सिचुएशन में हम कहते हैं कि हमारी कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन इक्विलिब्रियम में है। और डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन कब होती है? सो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में तब होता है When करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस दोनों का जो बैलेंस है वो जीरो नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट मीन्स इट कॉजेज सम मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व्स। और बीओपी सरप्लस और डेफिसिट दोनों ही केसेस जो हैं वो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन को शो कर रहे हैं। तो बीओपी सरप्लस कब होता है? When करंट अकाउंट बैलेंस एंड कैपिटल अकाउंट बैलेंस दोनों का जो टोटल है ये पॉजिटिव में शो हो रहा है, दैट मींस देयर इज सम इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इनसाइड द कंट्री, जिस वजह से बीओपी जो है वो सरप्लस शो हो रहा है और ऑफिशियल रिजर्व्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, देयर इज इंक्रीज इन द ऑफिशियल रिजर्व्स इन केस ऑफ बीओपी सरप्लस सिचुएशन। एंड इफ व्हेन बीओपी इज डेफिसिट, डेफिसिट मीन्स जब करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट दोनों का जो बैलेंस है वो नेगेटिव में शो हो रहा है, इट मीन्स नेगेटिव में शो होने का क्या मतलब है कि जो फॉरेन करेंसी का जो फ्लो है वो आउटसाइड द कंट्री जा रहा है, दैट मीन्स ऑफिशियल रिजर्व्स के जो ट्रांजैक्शंस है वो डिक्रीज हो रही है और ऑफिशियल रिजर्व्स डिक्रीज हो रहे हैं। नाउ उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द ऑटोनोमस आइटम एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। अब ऑटोनोमस आइटम्स जो बीओपी ट्रांजैक्शंस के अंडर होती हैं, ऑटोनोमस आइटम्स वो होती हैं जो प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं, और जो अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं वो प्रॉफिट के कंसिडरेशन से फ्री होती हैं, ये अपने आप एक दूसरे को एडजस्ट करती हैं, तो इसमें जो प्रॉफिट है उसका कोई रोल नहीं होता, दे आर फ्री फ्रॉम द प्रॉफिट कंसिडरेशन। जो ऑटोनोमस आइटम्स हैं वो बीओपी में जो इम्बैलेंस होता है, That means either BOP is surplus or deficit, उसकी वजह से जो autonomous item जो है वो होती हैं, लेकिन जो accommodating items हैं ये हमेशा BOP के balance को equate करने की कोशिश करती हैं, उसको balance करने की कोशिश करती हैं, उसको maintain करने की कोशिश करती हैं। Then जो autonomous items हैं इसमें इन्वॉल्व होती है मूवमेंट ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर्स, दैट मीन्स एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, जबकि अकोमोडेटिंग जो आइटम्स हैं इसमें गुड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। सो दीज आइटम्स ओनली इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व्स विद द आरबीआई। तो ये जो आइटम्स हैं, ये जो गुड्स हैं, ये अक्रॉस द बॉर्डर्स मूव नहीं करती हैं। ऑटोनोमस आइटम्स को अबव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं और अकोमोडेटिंग आइटम्स को बिलो द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। और अगर आपके क्वेश्चन में बोर्ड में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि डिफरेंस बिटवीन द अबव द लाइन आइटम्स एंड बिलो द लाइन आइटम्स, देन इट मीन्स He is demanding from you difference between the autonomous items and accommodating items. Then next is significance of BOP accounts. क्या importance है BOP की?
तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का अगर हम फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल पोजीशन या क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना चाहते हैं तो हम उसका क्या चेक करेंगे, उसका बीओपी स्टेटस क्या है, ये नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। तो जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का जो बीओपी स्टेटस है वो क्या शो करता है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस। तो बीओपी स्टेटस से हमें पता चलता है कि कंट्री की बोरोइंग्स कितनी, अगर बोरोइंग्स ज्यादा है इट मींस वो कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे ज्यादा डिपेंडेंट है और इससे कंट्री की बैकवर्डनेस शो होती है। देन नेक्स्ट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। बीओपी डेटा से हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में एब्रॉड से इनकम कितनी आ रही है, तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड हम डिटेल में नेशनल इनकम वाले टॉपिक में कवर कर चुके हैं। देन नेक्स्ट एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। अब बीओपी जो है वो तो है ही, इसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट्स कितने हैं कंट्री की और इंपोर्ट्स कितने हैं, और अगर कंट्री बीओपी पोजीशन जो है हमें शो कर रही है कि एक्सपोर्ट्स जो है वो इंपोर्ट्स से ज्यादा है, इट मीन्स हमारी कंट्री का जो एडी का लेवल है वो इंक्रीज्ड है, वो राइज हुआ हुआ है। तो किसी भी कंट्री का अगर एडी का लेवल बढ़ने का क्या मतलब है कि कंट्री के जो लोग हैं वो अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन मेंटेन करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, हमारा जो आउटपुट एम्प्लॉयमेंट लेवल भी राइज होगा, जिससे ओवरऑल कंट्री की जो जीडीपी है वो राइज होती है अगर हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू इंपोर्ट्स। लेकिन एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं या कम हैं ये हमें बीओपी पोजीशन से ही पता चलता है किसी कंट्री की। देन मार्केट पोटेंशियल। मार्केट पोटेंशियल मीन्स मार्केट का जो पोटेंशियल है, जो वो कैपेसिटी है वो क्या है, वो भी हमें बीओपी पोजीशन रिफ्लेक्ट करती है। अगर हमारी इकोनॉमी में फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं आके, इट मींस हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है कि वो यहां पर आकर इन्वेस्ट करें, तो जितनी ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही हमारा मार्केट का साइज बड़ा होगा, उतनी ही हमारी मार्केट जो है वो ग्रो करेगी। देन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। जो किसी भी कंट्री की जो बीओपी परफॉर्मेंस है वो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को इफेक्ट करती है। अगर हमारी कंट्री ज्यादा फॉरेन करेंसी को अट्रैक्ट कर रही है, हमारी कंट्री में ज्यादा फॉरेन करेंसी का फ्लो आ रहा है, इट मींस हमारी जो कंट्री है उसमें एग्रीगेट डिमांड का लेवल ज्यादा है और हमारी कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो इस केस में जो आरबीआई है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है। और अगर इसके ऑपोजिट पोजीशन होती है, अगर हमारी कंट्री का फ्लो जो फॉरेन करेंसी का बाहर ज्यादा जा रहा है तो वो पुअर स्टेटस शो करती है हमारी कंट्री का, तो जिससे डोमेस्टिक इकोनॉमी में हार्ड टैक्स लॉज जो है वो गवर्नमेंट अप्लाई करती है, तो गवर्नमेंट उस केस में अपनी फिस्कल पॉलिसी को मॉनिटर करती है, उसको चेक करती है, उसको दोबारा से फॉर्मुलेट करती है उसको चेक करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट थे जो सिग्निफिकेंस हमें बताते हैं बीओपी किसी भी इकोनॉमी की कंट्री का। तो ये पॉइंट्स हमने सारे कवर अप कर लिए। आपको ये नेक्स्ट करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बैलेंस का डिफरेंस जो है ये भी आपको आ सकता है एग्जाम में। देन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसका जो डिफरेंस है ये भी बहुत बार आता है पेपर में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें क्या शो करता है कि समरी स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का जो डिफरेंस है वो शो करता है। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट गुड्स और सर्विसेज दोनों की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ गुड्स की ट्रेडिंग को शो करता है, सिर्फ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस दोनों रिकॉर्ड की जाती हैं,
बल्कि इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है हमेशा ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस को बैलेंस करने की कोशिश करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ये कभी एक्सपोर्ट्स को ज्यादा शो करता है, कभी इंपोर्ट्स को ज्यादा शो करता है। ये बैलेंस पोजीशन तभी शो करता है जब एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के इक्वल होते हैं, पर ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। तो किसी का भी किसी के साथ डिफरेंस इस चैप्टर में आ सकता है, तो डिटेल स्टडी हमने कर ली है, तो डिफरेंस आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग।